माननीय कुलपति जी, सम्माननीय कुतुब शास्त्री जी, सम्माननीय विद्वान जो यहाँ आए हैं, बैठे हैं, हमारे साथ जो पठन पाठन का काम करते हैं, और हमारे बच्चे, इफ आर स्टूडेंट्स आर देयर, हैं बच्चे ना। पहली बात तो ये है कि मैं संस्कृत के और संस्कृत के ज्ञान की परंपरा में मैं घुसपैठिया हूँ, इन्फिल्ट्रेटर हैं, और कई कारणों से, वो अलग बात है, परंतु कई सालों से हमने जेएनयू में इंग्लिश एमए के विद्यार्थियों को कुछ हमारे जो बौद्धिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ाना शुरू किया, इंग्लिश के स्टूडेंट्स को, जैसे वाक्यपदी है, नाट्यशास्त्र है, अष्टाध्यायी है, योग सूत्र है। पंडित जी हमको ज़्यादा पुराने जानते हैं, गुरु शास्त्री जी, तो वाक्यपदीय का अध्ययन और उसको समझना, ब्रह्मकांड को समझना बड़ा कठिन है पूरी तरह से। दूसरा तीसरा कांड जो है पद और वाक्य पे, वो फिर भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि उसमें जो विचार हैं वो कुछ आजकल के जो पाश्चात्य चलती हैं चर्चाएं, उनसे मिलते जुलते हैं। भाषा दर्शन का वाक्यपदीय से ज़्यादा महत्वपूर्ण या संपूर्ण ग्रंथ दुनिया में नहीं है, वेस्ट में भी नहीं है, भाषा दर्शन पर। अब भाषा दर्शन का विषय क्या है, भाषा दर्शन का क्या विषय होता है? मुझे पहले ही कहना चाहिए था कि ये बहुत अच्छा इनका है, शास्त्री जी का, के ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथ का विस्तृत अध्ययन, 5 दिन 7 दिन वर्कशॉप और पहले भी किए, क्योंकि ग्रंथ अध्ययन पहली सीढ़ी होती है। और जैसे हमें अभिनव गुप्त का ध्यान आया कि वो जब 9 साल के थे तो उनके दोनों पेरेंट्स, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो उन्होंने 3 निर्णय लिए, शिव भक्ति करेंगे, ग्रंथ अध्ययन करेंगे और ग्रंथ निर्माण करेंगे पूरा जीवन। तो ग्रंथ अध्ययन से पहले भक्ति, क्योंकि श्रद्धा के बिना ग्रंथ अध्ययन भी नहीं होता, तो ग्रंथ अध्ययन भी श्रद्धा से होता है। हमारे यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासकर बड़े बड़े भाषा विज्ञान के प्रोफेसर्स रहे, जिनको संस्कृत भी आती थी, ग्रीक भी आती थी, लैटिन भी आती थी, परंतु श्रद्धा की कमी थी, तो उससे फिर कुछ निकलता नहीं। इसलिए श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ कहते हैं कि किताब, पुस्तक और ग्रंथ में भेद होता है, पुस्तक पढ़ने का और ढंग है और ग्रंथ के अध्ययन का और ढंग है। तो ग्रंथ को पूरी चिंतन मनन की शक्ति लगा के उसके ऊपर विचार करना और उसे ग्रहण करना बड़ा कठिन है, पूर्ण रूप से ग्रहण करना, समझना जिसको कहते हैं, शब्दों का अर्थ समझ लेना, उनको दूसरे शब्दों में कह देना, वो आसान है। जैसे इसी में भारत के भाषा दर्शन में जो 2 शब्द बड़े की शब्द हैं, बीज शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म जो है
ये बीज है भाषा दर्शन का। अब इन्हें बड़ा आसान है, शब्द ब्रह्म ब्रह्मन और शब्द, और वो कंपाउंड है, समास है। तो समास का जितना आप उसको जिस ढंग से समास को तोड़ के समझें, परंतु शब्द ब्रह्म जब भर्तृहरि जी ने कहा तो उनका क्या अभिप्राय था, क्या अभिप्राय था? बहुत तो हम पढ़ते देखते हैं सुनते हैं कि शब्द का कार्य भी वही है जो ब्रह्म का कार्य है, क्या ये अर्थ है? या शब्द के कार्य से जो संसार की रचना होती है वो उसी प्रकार की रचना है जैसी ब्रह्म, जैसे ब्रह्म से रचना होती है, कि ब्रह्म ही शब्द रूप में विचरता है? तो ये बहुत ये समझना आसान नहीं है। हमको भी 15-20 साल हो गए हैं, समझ तो जिस दिन हमें लगा हमें समझ गए, इसका मतलब है हमको समझ नहीं आई। और थोड़ा सा विचार आपसे आज बांटेंगे इसके बारे में भी। तो पहली बात कि मैं, देखिए मैंने पहले ही कहा कि मैं अंदर का विशेषज्ञ या विद्वान नहीं हूँ। मैं श्रद्धा से, क्योंकि भारत की ज्ञान परंपरा की तरफ अटूट श्रद्धा के कारण हमने इंग्लिश के कोर्सेज में भी इन ग्रंथों को पढ़ा पढ़ाया, तो उससे उस विधि से जिस विधि से हम कोई भी ग्रंथ चाहे पाश्चात्य हो या पढ़ते हैं, हमने इनको पढ़ा, समझने की कोशिश की। भाषा दर्शन का इन्होंने जो अभी मैंने कहा ग्रंथ अध्ययन किया मिश्र जी का, वाचस्पति मिश्र जी का जो तत्व बिंदु है, अब बिंदु शब्द भी बड़ा है और तत्व शब्द तो है ही। नाद बिंदु करके एक उपनिषद भी है, नाद बिंदु, तो वो शब्द अगर शब्द का तत्व क्या है और उसका फिर बिंदु क्या है, बड़ा अच्छा ग्रंथ है, बहुत संग्रह ग्रंथ के रूप में है। संग्रह ग्रंथ मतलब जो विचारधाराएं, जो सोचा गया पहले भाषा के बारे में, दर्शन के बारे में, उसका वाचस्पति जी ने उनका निष्कर्ष निकाल के अपने, क्योंकि हमारे यहाँ ज्ञान का आलंबन आधार व्यक्ति की चेतना होती है, व्यक्ति की चेतना ही आलंबन है हर व्यक्ति की। इसीलिए ये जो संसार है ये एक संसार नहीं है, ये बहुत संसार है, हर एक का अपना अपना संसार है, हम बनाते हैं, जो उसने बनाया वो तो एक है, पर वो है क्या? जब हम उसका विवरण करते हैं, जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये संसार है, तो वो हम अपनी जो इंद्रियां, मन, चित्त, उनमें से जो हमें वो समझ आता है एक व्यक्ति को, व्यक्तिगत जो दृश्य है उसको हम कहते हैं ये संसार है, और वो दो व्यक्तियों का कभी भी एक जैसा नहीं होता, नहीं होता। तो किसी ने पूछा एक बार के स्वामी जी, अगर संसार की रचना भगवान ने की है तो सुख दुख क्यों? बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने, केदारनाथ के पहले एक घाटी आती है जहाँ रात बिताते हैं लोग, वहाँ पे रात का समय, उन्होंने कहा कि उसके बनाए हुए संसार में, जगत संसार में सुख दुख नहीं है, हमारे रचे हुए संसार में सुख दुख है, कोई अपना कोई पराया, कोई ऊंचा कोई नीचा,
है ना, उसमें है। तो क्योंकि हमारी चेतना में ही संसार का रूप बनता है, नाम तो एक है संसार जगत, पर उसका जो रूप हम समझते हैं वर्णन करते हैं वो भिन्न भिन्न होता है। तो शब्द ब्रह्म, अगर भारत भाषा दर्शन जो है, भाषा दर्शन इन बिंदुओं पे विचार करता है। किन बिंदुओं पे? पहले तो शब्द क्या है, शब्द भाषा दर्शन, और शब्द शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ हैं। शब्द का अर्थ ध्वनि भी है, शब्दम न कुरु पतंजलि कहते हैं, शब्द का अर्थ ध्वनि भी है, शब्द का अर्थ शब्द भी है, और शब्द का अर्थ भाषा भी है, भाषा भी है। और इसलिए शब्द क्या है, शब्द क्या है? दूसरा विषय भाषा दर्शन का है शब्द की शक्ति, शब्द का स्वरूप और शब्द की शक्ति, ये भाषा दर्शन का विषय है। शब्द का स्वरूप जो हम सुनते हैं बोलते हैं वो है उसका स्वरूप, के वो अलग अलग बोला हुआ वही शब्द, अलग अलग ढंग से उच्चरित वही शब्द के मूल आधार में जो शब्द है, जिस कारण से गलत बोला हुआ ठीक उच्चारण किया हुआ शब्द भी हम समझ जाते हैं, क्या वो शब्द है ये? और उसका फिर स्वरूप क्या है, क्या वो सक्रम है अक्रम है क्या है? तो ये दूसरा विषय है। और वो जो शब्द है उसकी, उसका स्वरूप एक है और उसकी पद पदार्थ सामर्थ्य, सामर्थ्य उसकी शक्ति, उसकी शक्ति किसी चीज़ को प्रकट करने की पदार्थ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे यहाँ के, हम ऑब्जेक्ट्स को पदार्थ कहते हैं, उसी में एक पूरा हमारा दर्शन की एक झलक मिल जाती है। वस्तु अपने आप में निहित कुछ नहीं है, वस्तु वस्तु पद का अर्थ है, पदार्थ है पद का अर्थ है। सो ये जो वास्तव वास्तव ये जो वास्तव जगत है, वस्तु जगत है, ये वस्तुएं जो हैं इनका अपना अस्तित्व क्या है होगा, पर हम हमारे लिए वो एक पद जो है, कॉपी कॉपी किताब, उसका अर्थ जो है वो वस्तु, उसका अर्थ का वस्तु है। सो पद पदार्थ सामर्थ्य है, शब्द क्या है, शब्द क्या, शब्द की शक्ति जिसको कहते हैं वो पद पदार्थ सामर्थ्य। तीसरा विषय भाषा दर्शन में हमारी समझ में, क्योंकि हम तो पढ़ाते थे जब हमें आता नहीं था, अब भी नहीं आता है, बच्चों को समझाने के लिए हम समझते थे ना, बच्चों को समझाने के लिए, तो उस वक्त जो हमको समझ आती थी बातें कि भाषा दर्शन में और क्या है, हम पढ़ाते थे कोर्स पढ़ाते, तो अगला विषय देखिए शब्द क्या है, शब्द की सामर्थ्य क्या, शब्द का स्वरूप क्या है, शब्द की सामर्थ्य क्या है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। और फिर शब्द का, उस शब्द का बोध, हमने बोला आपने समझा, कैसे समझा, क्या समझा, जो मेरी जो सोच या समझ थी जो मैंने आपको भेजी, क्या आपने उसको वैसे ही ग्रहण किया,
कि किसी अपनी समझ के अनुसार, अपनी स्मृति के अनुसार आपने उसको ग्रहण किया। क्योंकि एक शब्द के लिए दो डाइकॉटमी होती है ना, ग्राह्य और ग्राहक, ग्राह्य और ग्राहक है। भत्री कहते हैं दीपक, शब्द एक दीपक की तरह है। दीपक, जब आप दीपक जलाते हो, दिया जलाते हो, अब आजकल आपको ये मेटाफर बदलना पड़ेगा, जब स्विच ऑन कर, जब लाइट जलाते हो, एक ही बात है। जब लाइट जलाते हो तो वो लाइट भी दिखती है, उसकी शक्ल, उसका रूप। हमारे यहाँ दो शब्द बड़े नज़दीक हैं, रूप और आकृति। इनमें भेद करना चाहिए, रूप और आकृति में। आकृति डिफाइनेबल है, उसका आप, उसको आप बता सकते हैं। आकृति हमारे तो क्योंकि एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष में, मैथमेटिक्स रहा, तो ट्रायंगल है, ये है, वो आकृति है। बट रूप, रूप, रूप में रंग, उसकी चमक, उसका ये सब, अपीयरेंस, 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 जिस तरह वो वस्तु इस जगत में दिखती है अलग अलग हर एक को, वो भी एक जैसी नहीं दिखती। इसलिए रूप एक नहीं हो सकता, होता नहीं किसी दो के भी रूप नहीं एक होता। तो शब्द जो, अगर शब्द नाम है तो वो एक रूप को प्रकट करता है, और वो रूप भिन्न भिन्न होता है, इसलिए समझ एक नहीं होती। हमने वो, हमने एक चीज़ सोच के कुछ कहा, आपने पहले कहा समझ नहीं आई, फिर कहा हाँ अब समझ आ गई। पर वो समझ, जैसे मुझे कोई कुर्सी चाहिए, कुर्सी, चेयर, पढ़ने के लिए, बूढ़ा हो गया ना, अब 77 साल का हो गया हूँ मैं भी पंडित जी, तो कुर्सी चाहिए आराम से बैठने की। तो कारपेंटर को बुलाया, कहा देखो भैया ऐसी कुर्सी बनाओ कि मेरी गर्दन यहाँ से ना उसमें टिके, और बाजू जो उसकी ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, इतनी ऊंची हो कि आराम से जब मैं बरखूँ तो रखा जाए, और मुझे उसकी बाजू जो है ऐसे पकड़े, और इतनी ऊंची होनी चाहिए कि मेरी टांगें लटकनी नहीं चाहिए, पूरा पैर ज़मीन पे लग जाए। अब ये मेरे दिमाग में है, ये दिमाग में है। उसको जो अच्छा तक्षक है, तक्षक है, कारपेंटर, तो तक्षक जो है वो उसको सुन के उसके दिमाग में चित्र बनता है, उसके दिमाग में अब उसे बनाने लगता है, बनाने लगता है, बनाता है कुछ करके, नहीं नहीं ये नहीं, ऊपर नीचे करता है, इधर उधर करता है, फिर एक पॉइंट पे जाके वो सोचता है कि हाँ बन गया। तब भी कहता है कि अभी इसमें थोड़ी कमी तो है बाबूजी। आप सोचिए कुंभकार, ये जैसे कुंभकार होता है, वो मट्टी का डला लेके घुमाता है, हाँ मट्टी का डला, उसके यहाँ एक चित्र है जो वो मटका बना रहा है, मटका, और आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है, वो घूमता है उसको हाथ से, उसके जो मन में जो है वो उंगलियों के द्वारा निकल के उस मट्टी के साथ एक साथ हो जाता है, मट्टी के, मट्टी के, वो मटका बनाता नहीं, बनाता नहीं है, वो मटके की आकृति तो उस मट्टी में है, उसी में है, वो उस अव्यक्त आकृति को व्यक्त कर देता उससे। पर उसके वो जो यहाँ था वो बना के नहीं। तो ये जो शब्द का जो आपने देखा,
हमने सोचा बोध जो है, बोध इसका मतलब कि शब्द का, देखिए बेसिकली शब्द का व्यापार जो है वो मानस व्यापार है, मानस व्यापार है, बोलने वाले का भी सुनने वाले का भी मानस व्यापार है। तो ये तीसरा विषय हुआ। चौथा विषय है शब्द और चिंतन का संबंध। क्या आप शब्द के बगैर, शब्दों के बगैर सोच सकते हैं? अब मैं तो वैयाकरण परंपरा में मानता हूँ, हूँ नहीं पर मानता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रामेटिकल ट्रेडिशन में काम किया। हम ग्रामर ग्रामेटिकल ट्रेडिशन में, वैयाकरण परंपरा में हम मानते हैं कि कोई भी विचार शब्द के बिना नहीं है, उसका कोई सत्व नहीं। दूसरे न्याय वाले डिसएग्री करते हैं और लोग डिसएग्री करते हैं, उनका अपना अपना मतांतर है। पर हमारी परंपरा में एक बड़ी अच्छी बात है कि आप जिस सिद्धांत में काम करते हो आप अपने सारे तर्क उसी सिद्धांत से लाएंगे, दूसरे से नहीं। ये नहीं कि आप भी तो कहते हो, जैसे आजकल कहा जाता है ना कि ये तो आप भी कहते हो, ये हमारी परंपरा में वाद में एक्सेप्टेबल नहीं है कि हम क्या कहते हैं आप कहिए। तो हमारे इसमें वैयाकरणों में इसको शब्द के बगैर, मैं चिंतन शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मनन और चिंतन का भेद होता है। विचार बड़ा बड़ा हल्का शब्द है, विचार विचार नहीं चिंतन, क्योंकि ये जो चिंतन है, क्या चिंतन जब हम करते हैं तो शब्दों में ही करते हैं। देखिए अनुभव बिना शब्द के हो सकता है, परंतु उस अनुभव को जब हम पहचानेंगे तो शब्दों में पहचानेंगे। पंडित जी अगर गलत हो तो बताइएगा, हमको लगा कि हमें कोई चीज़ चुभी चलते चलते, ये तो अनुभव है, ये तो बिना शब्द के हो गया, पर हमने कहा अरे चुभ गया, तो उसका जो बोध है, बोध वो भाषा से ही होता है। तो शब्द बोध, ये इसका तीसरा विषय, चौथा विषय शब्द चिंतन। ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, भतरी कहते हैं, तो सारा ज्ञान शब्दों में ही है, शब्द के बगैर कोई घटपट भेद शब्द के बगैर नहीं होता। डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस, अब्बल तो वो कहते हैं कि एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस वो एक ही बात है। जब हम कहते हैं कि ये है, ये है, तो है के अंदर ही ना होना भी है, ना होना ना हो तो होना नहीं, आप होना का, होना की जो धारणा है वो आ नहीं सकती अगर ना होने की धारणा ना हो, ना होने की धारणा। इसलिए इस सारे में घटपट बे चिंतन चिंतन शब्द, ये क्या है इस पे विचार, ये भी भाषा में आता है। और अगला विषय मेरी समझ में भाषा दर्शन का, शब्द और जगत का संबंध है। शब्द और जगत का, लैंग्वेज एंड रियलिटी अंग्रेजी में कहते हैं, रियलिटी बड़ा हल्का, हाँ जगत है, संसार और जगत में भेद है। जगत, जगत इति आमनाए, इति आमनाए है जगत, इति आमनाए क्या, जो जो चीज़ आप गिन सकते हो आपने अनुभव में वो जगत है। ये 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 संसार में उस जगत के ऊपर इति आमनाए का आपके साथ संबंध, और आपका उस इति आमनाए के साथ संबंध वो हम संसार में लेते हैं, संसार में लेते हैं। तो जगत, जगत का और भाषा का संबंध क्या है? तो हमारे तो जो मित्र हैं भर्तृहरि, आई ऑलवेज कॉल हिम माई फ्रेंड,
वो कहते हैं जगत भाषा का विकल्प है। विकल्प आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, योग दर्शन में विकल्प ज्ञान एक प्रकार का ज्ञान है, और वो ज्ञान वो है योग में जो आपको शब्द से ही मिलता है, किसी और ज्ञान साधना साधन से नहीं मिल सकता। विकल्प ज्ञान जैसे शश श्रृंगा है ना, वो अब वो जब मैंने कहा हॉर्न्ड टाइगर शश श्रृंगा हॉर्न टाइगर, तो ये मेरे मेहता जी अंग्रेजी के हैं, हमने कहा हॉर्न्ड टाइगर, तो आपको कोई हॉर्न्ड टाइगर दिखा? दिखा नहीं दिमाग में। कैन यू कंसेप्चुअलाइज हॉर्न्ड टाइगर, सॉरी नॉट टाइगर रैबिट, मैं टाइगर कह रहा हूँ रैबिट, वो मेरे दिमाग में वो आ गया ना, उनका जो एग्जांपल है ए स्ट्राइप्ड टाइगर डज नॉट एग्जिस्ट, द सेंटेंस विच विटगेंस्टाइन यूज्ड टू गेट एडमिशन इन फिलासफी, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट व्हाई डू यू मेंशन इट, दैट वाज द ग्रेट प्रॉब्लम। सो मैं शब्द कह रहा है हॉर्न्ड रैबिट, हॉर्न्ड रैबिट आप देख सकते हैं ना, हॉर्न्ड रैबिट उसके जो सींग होंगे मखमली से होंगे, छोटे छोटे ऐसे मखमली सींग। तो अब प्रश्न ये है, दर्शन का भी प्रश्न है और भाषा दर्शन का भी प्रश्न है, कि ये जो आपने देखा हॉर्न्ड टाइगर, क्या वो उसकी सत्ता है कि नहीं है? आम लोग कहते नहीं है, क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो आपने क्या देखा? आपने घोड़ा देखा आँखों से, आपने घोड़ा देखा सपने में, आपको किसी ने कहा बड़ा सुंदर घोड़ा देखा तो आपने घोड़ा का इमेज देखा अपने दिमाग में, उन तीनों में क्या भेद है? क्या भेद है? क्योंकि जो जहाज नीचे खड़ा हो या बस खड़ी होती है वो लंबी लगती है, जब वो तेज चलती है तो छोटी हो जाती है, तो उसकी उसका ट्रूथ क्या है? हाउ डू यू डिसाइड इसका ट्रूथ क्या है? वो जो 100 फुट ऊपर जहाज जा रहा है इतना सा, वो उसकी सच्चाई है कि जो नीचे खड़ा है उसकी सच्चाई है? क्योंकि ये सारा सच झूठ और ये सारा जो है मानस हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो विकल्प ज्ञान में आपने एक प्रकार की वस्तु की अवधारणा की, वस्तु को देखा, वो वस्तु आपको आँखों से बाहर नहीं दिखेगी, आप उस वस्तु को बाहर छू नहीं सकेंगे, पर वो है। इसलिए संस्कृत में इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन भू और अस्थि दो धातु है, तो भवति बट नॉट अस्थि, वो बन जाता है पर है नहीं, अत्यतावाद अस्थि अभाव भी तो अस्थि अस्थि है। तो इसलिए बहुत चर्चाएं ये सब आप जानते ही हैं, पर मैं इसको एक एक श्रृंखला में कि दर्शन में क्या क्या विषय और कितने इंटरेस्टिंग है ये, कैसे जुड़े हुए हैं। तो जगत का संबंध और एंड में छठा विषय शब्द और सत्ता, नॉट जगत सत्ता, जो सत्य सत्य सब सत्ता से बनता है, जो है जो है वो क्या है हम नहीं जानते। ये काफ़ी लोग कहते हैं कि हिंदू लोग तो रियलिटी को मानते ही नहीं हैं, डिसमिस करते हैं। नो, हम मानते हैं कि सत्ता है, पर हमारा ये कथन है कि वो सत्ता क्या है वो हम निर्णायक रूप से नहीं कह सकते, निर्णायक रूप से कि वो एक ये सत्ता है वो नहीं कह सकते। इसलिए भेद है, दृष्टि भेद है, दृष्टि भेद जो है, दृष्टि भेद जो हैं वो दृष्टि भेद से हर एक का अपना अपना वो बनता है। अब नो लेट मी विद दिस, कि मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे खासकर, क्योंकि विद्वानों के लिए तो ये बातें बड़ी साधारण हैं, पर जो
बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनको अगर भाषा दर्शन में फिर आप पूछेंगे कि आपको अपने आप पूछना है कि एक शब्द का स्वरूप जो है वो मैं कैसे समझूं, उसके लिए आपको व्याकरण पढ़ना है ना, शिक्षा पढ़नी है, आप मुझे अगर शब्द की शक्ति है तो मुझे इतने इतने जो सिद्धांत रहे हैं, सब संप्रदाय रहे हैं, बौद्ध रहे हैं, न्यायिक रहे, सब रहे हैं, उनको पढ़ना है, तो इससे फिर एमिनेट करता है कि आपने क्या क्या पढ़ना है। अब हमारे देश में शुरू से प्राचीन काल से भाषा के ऊपर बहुत चिंतन हुआ है। क्यों हुआ है मैं इसलिए कह रहा हूँ प्राचीन के, मेरे ख्याल में ऋग्वेद के अंदर भी, ऋग्वेद में भाषा के ऊपर कई टिप्पणियाँ हैं और ऋग्वेद में 1125 निरुक्तियाँ भी हैं, निरुक्तियाँ उषस इस तरह कि ये इससे बनता है, तो एटिमोलॉजीज, तो ऋग्वेद में ही भाषा का अध्ययन है। और हमारे जो 6 वेदांग हैं उनमें से 4 वेदांग भाषा से ही संबंधित है ना, शिक्षा शिक्षा व्याकरण निरुक्त और छंद, ये 4 तो डायरेक्टली भाषा से संबंधित है। आजकल तो एक लिंग्विस्टिक्स का रूब्रिक में फिर वो पेपर बन जाते हैं, पर हमारे यहाँ 6 साइंसेस अंग, वेदों के अंग, जिनके अध्ययन के बगैर हम वेद नहीं समझ सकते, उनमें से 4 तो भाषा से ही संबंधित हैं। तो क्यों हुआ ये सारा चिंतन शुरू? इसलिए क्योंकि हमारे देश में दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ रचा गया, प्राचीनतम कविता, प्राचीनतम गद्य पद्य दोनों हमारे देश में हुए, और जो ग्रंथ रचे गए जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, वो सेक्रेड नहीं है, दे आर नॉट सेक्रेड, लोग कहते हैं सेक्रेड, पर हमारे यहाँ सेक्रेडनेस की कॉन्सेप्ट नहीं है, सैंक्टिटी की, कि अगर किसी ने उसको फाड़ दिया तो हम उसको 6 इंच छोटा कर देंगे, ये हम नहीं करते। वेदों को जब से वेद रचे गए तब से वेदों के विरोधी भी थे, वेदों का विरोध करने वाले, वो जैसे कौत्स निरुक्त में कहते हैं कि को पंडित जी बैठे अध्ययन कर रहे थे तो पूछा किसी ने जाते जाते, मेरे जैसे ने या मेहता जी जैसे ने, क्योंकि पंजाबी सीरियस नहीं होते ना, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी क्या कर रहे हो, बोले वेद पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहे हो, अर्थ इसका समझ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आप बेकार की मेहनत कर रहे हो, वेद तो निरर्थक हैं, इनके मंत्र तो निरर्थक हैं, इनमें तो अर्थ है ही नहीं, पुरानी परंपरा है, पूरन कश्यप हैं, मस्करी घोषाल हैं, ये सारे लोग, तो जब से बने गए विरोध हुआ, क्योंकि विरोध हुआ इसीलिए जीवित रहे, क्योंकि विरोध हुआ तो उनकी रक्षा करने के लिए, उनका अर्थ निर्धारण करने के लिए एक से एक मतलब विद्वान, मतलब मनीषी ऋषि निकले, जिन्होंने उनको, अब यास्क का ही एग्जांपल लीजिए, अद्भुत ग्रंथ है उनका यास्क का, जो वो जवाब देते हैं उनको, इसको पूर्ण इसके कौत्स के 9 बातों का जवाब देते हैं, तो अद्भुत ग्रंथ है, तो इसलिए बचे। अब वेद सेक्रेड नहीं है, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि ये एक धारणा है, बाइबल सेक्रेड है, कुरान सेक्रेड है, तो वेद भी सेक्रेड है, क्योंकि सेक्रेड में एक प्रॉब्लम होती है, सेक्रेड जो ग्रंथ हो जाता है उसको आप पढ़ते नहीं हैं, उसको लपेट के सर पे रख लेते हैं, और आंखें तो यहाँ है नहीं, आंखें तो इधर ही हैं, इसलिए हमारे सिख भाई भी थोड़े इधर से थोड़े उधर के, माया मिली ना राम में अटक गए, और गुरु ग्रंथ साहब को भी सेक्रेड माना,
और उसको लपेट के रखते हैं, गर्मियों में एसी चलाते हैं, सर्दियों में हीटर चलाते हैं, बाबे को ठंड लग रही है, बाबे को गर्मी लग रही है, तो अध्ययन नहीं करते। अध्ययन ज़रूरी है। तो ये वेद सीक्रेट नहीं है, पर वेद ज्ञान के ग्रंथ माने गए, ज्ञान के ग्रंथ हैं। हमारे समाज ने ये निर्णय किया कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ज्ञान के ग्रंथ हैं, ठीक है ना, तो इसलिए उनको हमें संजोना है, संभालना है। अब मौखिक परंपरा थी, मौखिक परंपरा थी और सारे मौखिक रचना होती थी। अब आप अगर आज वेद लिखे हुए वेद पढ़ते पढ़ाते हो तो जो वैदिक परंपरा है मूल, वो नहीं आप प्रिजर्व कर सकेंगे। वेद का अध्ययन श्रवण से ही होना चाहिए, उच्चारण से ही होना चाहिए। शाखाएं जो थीं वो शाखाएं इस आधार पे थी। तो आजकल तो वो बहुत कम हो गई, अब कुछ रह गए, क्योंकि हम लोगों को अपने धन धरोहर की वैल्यू अब है नहीं। तो वो इसलिए इनको, मौखिक ग्रंथों को बचाना महत्वपूर्ण कैसे रखना है, उसके लिए फोनेटिक्स शिक्षा, शिक्षा शुरू का अनुसंधान शुरू हुआ। भाषा का जो ध्वनि रूप है, ध्वनि का अनुसंधान, और आपको पता है कि जो शिक्षाविद थे या ध्वनिकार थे वो वैयाकरणों को बहुत निम्न मानते थे। कहते थे अरे हम तो द्रव्य से, द्रव्य का अध्ययन करते हैं, ये तो रूप का अध्ययन करते हैं, रूप तो बदलने वाला है। तो ध्वनि का अनुसंधान शिक्षा सबसे पहले हुआ। फोनेटिक्स वॉज द फर्स्ट साइंस टू डेवलप इन इंडिया। उसका क्या, उससे क्यों हुआ, क्योंकि आपने उस ग्रंथ को स्मृति में रखना है और शिष्यों से रखवाना है, आगे रखवाना है, तो आपको उस ग्रंथ की जो, उस ग्रंथ की जो का जो ध्वनि मूल्य है, एक एक अक्षर का, एक एक वर्ण का ध्वनि मूल्य है। वाजसनेयी प्रातिशाख्य में वो कहते हैं, कात्यायन, कात्यायन कहते हैं कि मैं आपको ग्रंथ में जो वर्ण है उनकी ध्वनि बता रहा हूँ, लोक में जो उस वर्ण की ध्वनि है वो नहीं बता रहा। देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये कैसे बोला जाता है, मैं ये बता रहा हूँ कि ग्रंथ में जब ये है तो कैसे, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में, क्योंकि हर ग्रंथ में भेद होगा, हर शाखा में भेद होगा, इस ग्रंथ में उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्वनि का अनुसंधान करने के लिए पूरा पूरा एक अध्ययन, विस्तृत अध्ययन। फिर उन्होंने, आप सब जानते हैं कि एक ग्रंथ के उन्होंने संहिता को पाठ में बांटा, कई प्रकार के पाठ बनाए, याद कर लिए, और 10 बच्चों को 10 पाठ कम्बिनेशन जमा करा। अब तुम जानते हैं बेटे, बच्चे अब जानते हो कि बड़ा कठिन नहीं होता है ये भी, ए बी सी डी अगर टेक्स्ट है तो एक टेक्स्ट बना दी ए बी बी ए, एक बना दी ए बी सी बी सी ए बी ए सी, एक बना दी डी बी सी ए डी सी बी ए डी ए बी सी, इस तरह परम्यूटेशन करके उन टेक्स्ट को याद करा दिया। किसी भी टाइम पे अगर एक व्यक्ति ना रहे या बेचारे ना बोल पाए या कहीं आपको दुविधा हो जाए कि ये शब्द अक्षर क्या था, तो आप वो, आपके पास 10 कॉम्बिनेशंस में से आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो क्योंकि वेद ज्ञान के ग्रंथ थे माने गए, उनको संभालना है, तो भाषा विज्ञान शुरू हुआ, भाषा के ऊपर चिंतन शुरू हुआ। इस कारण से, इसलिए नहीं कि वो सेक्रेड है, उनको प्रिजर्व करना। शेक्सपियर के प्लेस 1500 कुछ में, 50 में लिखे गए, कैक्सटन प्रेस बन गई थी, कैक्सटन प्रेस थी, परंतु 20वीं सदी में भी शेक्सपियर के जो प्ले हैं उनकी ये टेक्स्ट मूल टेक्स्ट है कि इसमें कुछ किसी ने और डाला हुआ है, वो भी अभी भी सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेक्स्टुअल स्कॉलरशिप है। आपके पास ऋग्वेद 5000 साल से अक्षुण्ण, वैसे का वैसा आ गया, तो कैसे आ गया, उसमें कौन सी साइंसेस डेवलप हुई, साइंस बनी उसमें, ये सारी साइंस ध्वनि की, निर्वचन की, व्याकरण की,
है ये सारा। और इसलिए पुरानी परंपरा क्यों बनी। दूसरी बात कि इसका जो कारण ये था कि भाषा भारतीय चिंतन, भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र में भाषा है। यूनान में केंद्र ज्ञान का केंद्र ज्योमेट्री था। ज्योमेट्री मापना, काटना, ये टेराफर्मा उनके लिए जो सत्ता है वो टेराफर्मा समझे, धरती जिसमें आप लाइन लगा के आपके पटवारी खेत काट देते हैं, मेड़ बन जाती है, तो वो टेरफ उनके लिए ज्योमेट्री वॉज सेंट्रल एंड दे होल वर्ल्ड व्यू, उनका सारा जो वर्ल्ड व्यू है वो ज्योमेट्री, यूक्लिड वॉज द की थिंकर। अब जैसे हमने कारपेंटर का एग्जांपल मैंने अभी दिया था, क्योंकि प्लेटो यूनानी फिलोसोफर कारपेंटर को ही पैराडाइम आर्टिस्ट मानता है, क्रिएटर जो एक पैराडाइम क्रिएटर है, आफ्टर गॉड कारपेंटर है। हमारे यहाँ पैराडाइम क्रिएटर कुंभकार है, क्योंकि हमारा वो जो क्ले है उसको आप माप नहीं सकते, मापते नहीं, काटते नहीं, जोड़ते नहीं। कारपेंटर काटता है, मापता है, जोड़ता है, कुंभकार नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए सत्ता जो है वो जल की राशि है, समुद्र है, अथा समुद्र है, उसमें आप लाइनें नहीं लगा सकते। गौरी मिमाए सलिलानी तक्षति, ऋग्वेद में 164-45, गौरी मिमाए सलिलानी शक्षति, ये जो भाषा है ये सत्ता के समुद्र में आकृतियाँ काटती है। अब जल में आप आकृति नहीं काट सकते, इसलिए पूरा जो ब्रह्मांड है, वो शब्द भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मांड अंड शेप का, ब्रह्म का रूप, ब्रह्म ने रूप लिया अंड शेप में, मैनिफेस्ट हुए ब्रह्मांड। और मॉडर्न फिजिक्स भी इलिप्टिकल कहती है यूनिवर्स को, इलिप्टिकल। तो ब्रह्मांड जो इस ब्रह्मांड जे इसमें जो क्या क्या आर्गुमेंट ले रहा था मैं, क्या मैं कुछ आई आर्गुमेंट, सॉरी माई स्लिप बिकॉज माई हार्ड डिस्क वाइब्रेट सडनली एंड माई स्टूडेंट्स यूज टू देन टेल मी के सर आप ये हाँ कुंभकार का, यस। सो यू नो हमारे लिए सत्ता जो है वो मेजरेबल क्वांटिफाइबल नहीं है। हमारे लिए जो मैं हमारे लिए केंद्र में भाषा है, क्योंकि भाषा ही आकृतियाँ काटती है। और काटती कहाँ है, एक बोधात्मक बोध के स्तर पर जल में आकृतियाँ काटती है। इसका एक और देखिए क्या अर्थ है कि पूरा जो ये ब्रह्मांड या विश्व जो है ये एक रस है, कंटिन्यूटी है, इसमें कोई ये जो कार्टिजियन सेपरेटनेस नहीं है। जो भेद घट पट भेद हम करते हैं वो भाषा से करते हैं, भाषा से, वो उसकी अपनी प्रकृति नहीं है, सत्ता की प्रकृति नहीं है, सत्ता तो एक है। अब इन्हीं तरह आप जब सोचते जाएंगे तो कहीं पे जाके फिर हमें समझ आने लगेगी कि वो शब्द ब्रह्म क्यों कहते हैं, शब्द ब्रह्म क्यों कहते हैं। तो बड़ा पुराना चिंतन है, इसलिए कि भाषा केंद्र में है, इसलिए कि ग्रंथ ज्ञान के ग्रंथ थे, मौखिक थे, उनको संभालना। अब चार वेदांग तो बता दिए, पर भाषा का एक और कारण है कि भाषा हमारे केंद्र में क्यों है। पुराने समय से हमारे जीवन के तीन मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। और आप सब जानते हैं भगवद गीता में एक पंजाबी को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि कौन सा मार्ग उत्तम है।
और भगवान कृष्ण किंतु परंतु देश के थे, यूपी के, यूपी किंतु परंतु देश है, बड़े सोफिस्टिकेटेड। पंजाबी किंतु परंतु नहीं होते, ए बस हैं, वो किंतु परंतु प्रदेश के थे और गुजरात में डोमिसाइल हो गए। और वो कहते हैं ना कि करेला नीम चढ़ा, क्योंकि गुजराती बड़े पंजाबी में कहते हैं घुन्ने होते हैं, घुन्ने मतलब होते हैं, आपका बड़ा मित्र है कई साल का, किसी बात पे नाराज हो गया, आपको पता नहीं लगने देगा, आपको 2-3 साल बाद समझ आएगी कि ये तो नाराज हो गया। तो अब भगवान कृष्ण पंजाबी को समझा रहे हैं उत्तम मार्ग, ठीक है। तो पहले कह रहे कर्म है, कर्म, फिर कहते ज्ञान है, तो अर्जुन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कहते महाराज एक बात करो, ये जो दो दो बातें बताते हो ना, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर उन्होंने तीसरी बात जो कही उससे और भी कन्फ्यूज हो गए कि असल में तो दोनों एक ही हैं, ज्ञान और कर्म। और मैं आप आदि शंकराचार्य जी जब भगवद गीता के दूसरे चैप्टर पे अध्याय पे कमेंट्री लिखते हैं ना, तो बड़ा सुंदर उनका एक निष्कर्ष है, ये जो ज्ञान और कर्म का जो विवाद था, ये भगवद गीता में भगवान ने, वेदव्यासी ने लिया, जिन्होंने भी लिया, पर ये विवाद उपनिषद काल से है। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म क्या है, तो धर्म पहला जो उत्तर था, धर्म ज्ञान में है, उपनिषद काल का। इसलिए उपनिषदों की कथाओं के जो 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 हीरो हैं, प्रोटैगनिस्ट, वो सारे मूल ज्ञान के प्रश्न पूछते हैं, नचिकेता, सत्यकाम, के ये मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, उसको वो यमराज बहुत समझाते हैं, कोई मर्सिडीज ले लो, जमीन ले लो, फ्लैट ले लो, बोले ना ये तो आना जाना है, हमें ये बताइए मृत्यु के बाद क्या है। और आप जानते हैं कितना सुंदर वो एक विचार है कि श्रेयस और प्रेयस वाला, कि जिंदगी में एट एवरी स्टेप हमारे सामने एक चॉइस होता है, हम क्या करना चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये जो चॉइस है, क्या करना चाहते हैं और क्या करना चाहिए, और जो व्यक्ति क्या करना चाहिए को चुनता है, उसके लिए मृत्यु नहीं हो, कोई एग्जिस्ट नहीं करती, चाहने वाले के लिए मृत्यु है, दूसरे के लिए नहीं होती। बड़ा बड़ा ही सार गर्भित है वो। तो हीरो क्वेश्चन मतलब पहला था ज्ञान, पहले था महात्मा बुद्ध ने हमारी परंपरा में दो इन्फ्लेक्शन किए, इन्फ्लेक्शन उन्होंने दो चीज़ें की, एक तो उन्होंने हिंदू माइंड को कर्म रिचुअल कर्म कांड से निकाल के निष्काम कर्म में लगाया, ये कर्म कांड से निकाल के, कर्म कांड तो हम अपने लिए करते हैं ना, भगवान को अगरबत्ती है, भगवान को वो, इसलिए वो पुरी में, जगन्नाथपुरी में उन्होंने कहा कि ये तो लोग बहुत परेशान करते हैं भगवान को कि भैया ये कर दो ये कर दो, मेरी टिकट बुक नहीं हो रही, टिकट बुक करा दो, मतलब ट्रैवल एजेंट भी बना दिया भगवान को। तो उन्होंने वो जो भगवान बनाया उसके ना तो कान है ना हाथ है, हैं, प्रेयर फजूल है, वो सुनते नहीं, हाथ है नहीं, करेंगे कुछ नहीं, वो साक्षी हैं, इतनी बड़ी बड़ी आँखें, वो देख रहे हैं कि आप क्या, जो करना है आप करिए। महाभारत के वन पर्व में द्रौपदी युधिष्ठिर का संवाद है, वन पर्व में कभी देखिएगा, इसी के ऊपर है कि क्या भगवान इसमें इन्वॉल्व होता है हमारे कर्मों में, या हमें जो कर्म फल मिलता है, जो हमारे साथ होता है सुख दुख, क्या वो भगवान देता है। ये बहुत ये विषय, इसलिए भगवान को साक्षी बनाना वो बड़ा एक है। तो चलिए अब सेंट्रैलिटी में तीन, पहले ज्ञान था फिर कर्म आ गया। जब कर्म का सिद्धांत बना बौद्ध, उससे पहले ये जो मटेरियल स्केप जो मैंने बताया ना आपको, कि महाभारत की जो जो वॉर हुई थी, 36 लाख आदमी 18 दिन में मर गया,
36 लाख 2 लाख रोज के, ये वर्ल्ड वार वन और टू के कंबाइंड से डेली कैजुअल्टी से ज़्यादा कैजुअल्टीज हैं। जब इतना हो गया तो लोगों की आस्था वेद वैदिक धर्म में वेद के धर्म से उठ गई। तब आपके ये सारे पूर्ण कश्यप और ये सब आए, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। उस वक़्त उस धर्म मतलब प्योर ज्ञान, इतना ज्ञान का आपने परसूट किया और नतीजा ये निकला कि ये युद्ध, ये यूरोप में भी हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा कि अरे इतने ग्रैंड नैरेटिव्स, क्रिश्चियनिटी, मर्सी, जस्टिस, और ये 4 करोड़ आदमी एक एक युद्ध में मरे गए, युद्ध में मरे गए, तो क्या हुआ? तो ये क्वेश्चनिंग हुई। तो महात्मा बुद्ध का कर्म पे जो एम्फेसिस आया, देखिए महाभारत की इवेंट्स और महाभारत का लिखना ग्रंथ का, उसमें 2000 साल का भेद है। तो हम भी इवेंट्स की बात कर रहे हैं महाभारत, पर महाभारत जब लिखा गया तब तक ये विषयों का विवाद होने शुरू हो चुके थे, और एक किस्म का उसका उन्होंने निदान भी निकाला, क्योंकि धर्म की संस्थापना, धर्म संस्थापना जुगे जुगे वो कहना है, हाँ संस्था पर थे, तो संस्थापना करने के लिए भागवत धर्म का उदय महाभारत के लिखने समय हुआ, भागवत धर्म का। अब भागवत धर्म जो था वो फिर एक प्रकार के कर्म के साथ, के कर्म के साथ धर्म भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, परंतु विवाद चला। तो फिर पुराणों में देखिए, पुराणों में उन्होंने भक्त जो बनाए, भक्त वो ज्ञानी भी हैं और कर्म भी करते हैं, हनुमान है जैसे, उतना जितना ज्ञान तो भगवान प्रभु राम को पता नहीं था कि नहीं, वो खुद कहते हैं नूनम व्याकरण ज्ञाता, आप यू आर मास्टर ऑफ 9 स्कूल्स ऑफ ग्रामर, और शक्ति इतनी थी कि दोनों भाइयों को छुड़ा के यहाँ रख के अहिरावन से ले आए। तो देखिए भक्ति जो था, भक्ति का जो मार्ग था उसमें ज्ञान और कर्म को जोड़ दिया। अब मैं वो बताऊँ जो बताने लगा था कि शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य ने क्या कहा, ज्ञान युक्त कर्म ही भक्ति है, ज्ञान युक्त कर्म ही भक्ति है, तीनों को जोड़ दिया। ये हमारी परंपरा का एक बहुत बड़ा रहा है, चरित्र रहा है, कि हम वाद चाहते हैं, वाद होते हैं, एकत्व नाम द्वित्व नाम वादा बहुधा मता, है ना, वादा बहुधा मता, पर एकत्व बुद्धि सर्ववाद आविरोधनी, यूनिफाइंग नॉट यूनिटरी, सर्ववाद आविरोधनी, सब वादों के विरोध, किसी वाद के विरोध में नहीं होती जो एकत्व बुद्धि। तो एकत्व बुद्धि को बनना, ये हमारे देश की परंपरा का चरित्र है, बौद्धिक परंपरा का, हर चीज़ में हुआ। जैसे भर्तृहरि भी खुद एक बड़े समन्वयवादी चिंतक हुए भाषा दर्शन में, उन्होंने समन्वय किया, ऋग्वेद से लेके आगे तक जो भी शब्द अर्थ का चिंतन हुआ उन सबको इकट्ठा करके उन्होंने फिर एक उसको बनाया। काफ़ी हद तक जैसे अपने वाचस्पति मिश्र जी भी वही कार्य कर रहे हैं उसमें। तो ये दूसरा जो कारण था केंद्र में रखना भाषा को, वो ये है कि ज्ञान जो कि सर्वोत्तम मार्ग माना गया, सर्वोत्तम मार्ग, नथिंग प्यूरिफाइज लाइक नॉलेज, भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि ज्ञान से, अग्नि से भी ज़्यादा ज्ञान प्यूरिफाई करता है। और ये देखिए आप कंपेयर करिए, नॉलेज इज़ पावर कहते हैं वो लोग, नॉलेज इज पावर, वो पावर किस लिए, दूसरों को सबड्यू करने के लिए, कॉलोनाइज करने के लिए। हम मानते हैं कि नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज ए प्यूरिफायर, इट प्यूरिफाइज यू, सो इट गिव्स यू पावर टू कंट्रोल योर सेल्फ, ठीक है। एनीवेज मैं सर मुझे बता दीजिए, मैं तो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, सीधी बात है, बोलता ही जाऊँगा 2.5 घंटे 3। हाँ तो कितने बजे, कितना टाइम और है, बस आधा घंटा है, चलिए अब मैं थोड़ा तेज़ी से चलूँगा, नहीं तो आगे पहुँचेंगे नहीं। तो ज्ञान
सर्वोपरि है और ज्ञान भाषा के बिना शक्य नहीं है, हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान ज्ञानम सर्वम शब्देन भाषते, इसलिए शब्द भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए भाषा का अध्ययन और ग्रंथों को संजोने के लिए संभालने के लिए ये हुआ। हमारी जो भाषा की अवधारणा है भारत की, वो तीन प्रकार से पाश्चात्य अवधारणा से अलग है। तीन प्रकार से भाषा क्या है, इसके उत्तर में हमने जो तीन बातें कहीं वो बाकी सिमिलर हैं, पर तीन बातें ऐसी हैं जो पश्चिम से अलग हैं। पश्चिम वाले शुरू से भाषा को लिखित भाषा के रूप में मानते हैं, लिपि, लिपियांकित भाषा, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट थी उसको वो वर्शिप करते थे, इट वाज वर्शिप्ड। इसका मतलब ये नहीं कि होमर सिंगर नहीं थे, होमर की पोएम तो गाई जाती थी, पर जो बेसिक नोशन उनका, प्लेटो का पूरा डायलॉग इसके ऊपर है कि राइटिंग प्राइमरी के स्पीच प्राइमरी, मतलब उनके लिए भाषा राइटिंग है, स्क्रिप्टेड। आपको ध्यान होगा ओल्ड टेस्टामेंट में मोसेस जब वो सब यहूदियों को इजिप्ट से छुड़ा के ले गए माउंट सेनाई के पीछे घाटी में, वो सारे बैठे हैं और वो हुड़दंग करने लगे, अब आज़ाद हो गए, और वो जो सिटीज जैसे बाद में जो मॉरल डिक्लाइन शुरू होता है, तो फिर मोसेस सिनाई पर्वत के ऊपर गए कि कुछ भगवान से पूछें क्या करना है इनका। तो वो पहाड़ पे जाते हैं, भगवान नीचे आते हैं और वो बात करते हैं, गॉड वॉइस, गॉड कम्स एज ए वॉइस नॉट एज ए पर्सन। तो वो उनको कहते हैं कि बताइए महाराज क्या करें, तो गॉड डिलीवर्स 10 कमांडमेंट्स बोल के। तो मोसेस क्या कहते हैं, कहते हैं महाराज लिख के दे दो, क्योंकि अगर वो नीचे जाके कहेंगे कि भगवान ने ये कहा तो कोई मानेगा नहीं, हिंदुस्तान में मान लेंगे, हिंदुस्तान में कोई ऋषि महंत पंडित जी कोई कहें देखो भाई ऐसा होता है, तो ये हमारा आप्त वचन शब्द प्रमाण बड़ा मजबूत है, हम उसको ज़्यादा मानते हैं बजाय के किताब में जो लिखा हुआ है। आम जनता में भी, मैं खालसा कॉलेज अमृतसर में पढ़ता था, बी ऑनर्स तक वहीं पढ़ा, मैं अमृतसर का ही हूँ, तो वहाँ पे जो किताब ज़्यादा पढ़ते थे ना उसको वो बड़ी नीची दृष्टि से देखते थे, ये बड़ा किताबी है, किताबी कीड़ा है। माई मदर यूज़ टू इन द इवनिंग थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस, हर वक्त पढ़ता रहता है, ऑल द टाइम रीडिंग, शट इट एंड गो, बिल्कुल आयंगार्स के अपोजिट। माई वाइफ इज आयंगार ना, आई नो, वो बेटी के पीछे पड़ी रहती थी, पढ़ो पढ़ो, एंड आई यूज टू रिमेंबर माई मदर हु सेड के बहुत मत पढ़ा कर, ज़्यादा मत पढ़ा कर। पर राइटिंग देखिए, उन्होंने कहा लिख के लाइए। आप किसी ऑफिस में जाएंगे ना और आप एक एप्लीकेशन देंगे क्लर्क को, वो कहेगा हाँ बताइए बात क्या है, एप्लीकेशन नहीं पढ़ता, कहेगा क्या है। यूरोप में अगर आप बोलने लगेंगे कहेगा पुट इट डाउन इन राइटिंग, पुट इट डाउन इन राइटिंग, वो राइटिंग की सीक्रेट, स्क्रिप्ट वाली सिविलाइजेशन है। तो बाद में फर्डिनैंड डी सोस्योर हु वाज प्रोफेसर ऑफ संस्कृत इन जेनीवा, उन्होंने समझाया वेस्ट को कि लैंग्वेज इज स्पीच नॉट राइटिंग, और ये हमारा पहला अवधारणा है कि लैंग्वेज इज स्पीच, लैंग्वेज इज स्पीच। तो भाषा, वाक, वाणी, तीनों शब्द जो हैं वो उच्चारण से हैं, बोलने से हैं। तो भाषा, वाक, वाणी, पहला, वेस्ट में लैंग्वेज इज राइटिंग, उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस है, जो लिखा होता है वो दिखता है, दिखता है ना, जो दिखता है वो सत्य है, जो शब्द लिखा हुआ है वो सत्य है, तो शब्द जिसकी तरफ संकेत करता है वो भी सत्य है, इस तरह दिमाग चलता है। आपको पता है कि पाणिनि जब वांग्मय का विभाग करते हैं
दृष्ट प्रोक्त करते हैं, दृष्ट फिर उक्त। जबकि हमारे जो बेसिक ट्राइकोटमी है वह है श्रुति स्मृति काव्य, श्रुति सुना हुआ, रिसीव्ड रिसीव्ड। पर पाणिनी बड़ा रैशनलिस्ट था। मुझे शक है कि पाणिनी भगवान में भी विश्वास करते थे कि नहीं, होता है शक कई बार। प्योर साइंटिस्ट था, तो उन्होंने डिवीजन किया दृष्ट से, क्योंकि दृष्ट एपिस्टेमोलॉजिकली ज्ञान के साधना के रूप में जो दृष्ट है वो सबसे स्ट्रांग एपिस्टेमोलॉजी है। हमारे कहते नहीं है कि अरे तू कहीं सुनी बात बता रहा है, कहे नहीं भैया मैंने आँखों से देखा, आँखों से देखा है। सो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एम्बॉडीड इन रिटन लैंग्वेज, ये वेस्ट में रहा। इट इज़ क्वाइट अपोजिट टू हमारा बिलीफ कि भाषा वाणी है, वचन है, और स्पीकिंग वॉइस जो है, जो बोलने वाली आवाज़ है, वो अथॉरिटेटिव है। इसीलिए शब्द प्रमाण है, आप्त वचन है, बड़े बूढ़ों ने कहा है। बड़े बूढ़ों को क्वेश्चन नहीं किया जाता, बड़े बूढ़े कहते हैं। ओके किताब में लिखा, अरे किताब को छोड़ो, हमारे बड़े बूढ़े ये कहते हैं। पहला। दूसरा भेद देखिए कि हमारे लिए भाषा चिंतन की विधा है, भाषा चिंतन है, उनके लिए भाषा कम्युनिकेशन है। क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कम्युनिकेशन, देना भेजना। मैं एक प्रश्न स्टूडेंट से पूछता था कि बेटा कितना समय आप भाषा का प्रयोग दूसरों से बात करने में लगाते हो और कितना समय आप अपने आप से बात करने में लगाते हो, अपने आप से। आप 24 घंटे में, आप तो नींद में भी अपने आप से बात करते हो, सपनों में भी भाषा होती है ना। तो क्या लैंग्वेज कम्युनिकेशन है कि लैंग्वेज कम्युनियन है, अपने रिफ्लेक्शन की, सोचने की। ये बहुत बड़ा भेद है। उन्होंने कम्युनिकेशन कहा, इन्फॉर्मेशन थ्योरी बना दी, मेजरमेंट बना दी, डेटा कितना सरप्लस है, इन्फ्लक्स है, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ सारा फोकस ये है, आपको चिंतन मनन के नियम, चिंतन मनन के नियम करने हैं, भाषा को संस्कृत करना है, संस्कृत करना, संस्कार पूर्ण करना भाषा को, ये हमारे यहाँ रहता है। इसलिए हम जब बच्चे थे तो स्कूल में शुद्ध उच्चारण पे नंबर मिलते थे, फिर एक समय आया अच्छी लिखाई के मिलने लगे, फिर समय आया ये 45 शब्द टाइप कर लेता है एक मिनट में, वो बोलना लिखना भूल गए। और आजकल ये है, इसे कंप्यूटर चलाना आता है, अब वो टाइप करना भी भूल गए। एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी को सुपरसीड करती जाती है, परंतु क्योंकि ज्ञान का स्मृति से, प्रज्ञा के तीन भाग हैं, स्मृति विमर्श प्रयोग, स्मृतिहीन ईश्वर ईश्वर नास्ति। आपका न्याय का ईश्वर जो है, कहते स्मृतिहीन ईश्वर है, तो वो तो ईश्वर नहीं है। तो स्मृति, क्योंकि ज्ञान स्मृति के आधार पर है, और स्मृति में जो लोडिंग हम करते हैं, अपने आप करते हैं, वो जो ध्वनियों में करते हैं, स्मृति में जो लोडिंग होती है वो ध्वनि की लोडिंग होती है, ध्वनियों की। पंडित जी कल तो रहा, ठीक है ना, हम कहते हमें चित्र भी दिखता है। हो सकता है कि हमने कैट कैसे लिखा हुआ, पर मेनली कैट जो ये मेरे मन में जो है वो ध्वनि रूप में है। और वो ध्वनि तो स्फोट ध्वनि है, जब मैं बोलता हूँ तो वो वैकृत ध्वनि हो जाती है। वो जो प्राकृत ध्वनि है वो तो स्फोट ध्वनि है, पर जब मैं बोलता हूँ वो वैकृत हो जाती है, क्योंकि ये दूसरी तरह बोलेंगे, वो दूसरी तरह। मुझे जुकाम लगा होगा तो मैं कैट बोलूँगा, कैट को, अगर जल्दी में वो कैट,
कभी ख बोल दिया, कभी हा ना बोला, पर ये सारा वही क्या, तो ध्वनि रूप में रहता है। इसलिए भाषा चिंतन में, चिंतन की भाषा में ध्वनि का रोल है, ध्वनि का, शब्द एज अ ध्वनि, ये दूसरा भेद हुआ। इसलिए वो लोग ग्रंथ को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, और आइडियल स्कॉलर उनका होता है सोफे में बैठा हुआ, कॉफ़ी का कप रखा हुआ है, लेफ्ट शोल्डर से लाइट आ रही है और किताब पढ़ रहा है। और हमारा जो थिंकर होता है वो आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठ जाता है, महात्मा बुद्ध की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह। ये नहीं कि हम भी बैठ जाएंगे तो हमें भी कुछ मिलेगा, वो भी तो भेद होता है ना। वो तो सिद्धार्थ गौतम थे, वो बैठे हैं उनको, हम तो बैठे भी रहेंगे कुछ नहीं होगा। जिस तरह ऋग्वेद का मंत्र जब ऋषि ने उच्चरित किया तो उसका प्रभाव हुआ, कपिल कपूर मंत्र पढ़ के थोड़ा प्रभाव पैदा करेंगे, हम नहीं प्रभाव पैदा कर सकते, वो पूरा उसका जो है स्ट्रक्चर वो होना चाहिए। तो ये एनालॉजी मैंने बताई दी थी दीपक की। सो ये दो कारण हैं। अब भाषा का अध्ययन दो विभाग में चलता है, वो तो पहले हमने बताया, स्वरूप में और पदबाधा समर्थ में। नेक्स्ट पॉइंट आई विल टेक सर एंड आई विल स्टॉप व्हेन द टाइम इज ओवर, बट आई कांट ब्रेक द लॉजिक एंड गो टू द एंड, ठीक है ना सर? आप मुझे बता दीजिएगा, बस 10 मिनट अभी स्टॉप कर देंगे इसके बाद। इसके बाद देखिए तीसरा भेद, ये भाषा दर्शन के विषय हैं। भाषा क्या है? अब भाषा दर्शन का कैसे अध्ययन करेंगे पहले अगर ये निर्णय नहीं करते भाषा क्या है, है ना? तीसरा है कि हमारे लिए भाषा सृजनात्मक है, नामकरण का साधन नहीं है। ये नहीं कि एक चीज पड़ी है और भाषा से उसको हमने नाम दे दिया, ना, हमने नाम दे के उस वस्तु का सृजन किया। जब तक हमने नाम नहीं दिया वो वस्तु का अस्तित्व हमारे लिए है ही नहीं। अब किसी व्यक्ति को जिसको डायमंड की पहचान नहीं है, उसे शीशों में एक हीरा भी डाल दीजिए, हैं, और वो जो मणि होती है एक सफ़ेद स्फटिक मणि वो डाल दीजिए, शीशे डाल दीजिए, अगर वो जानता नहीं डायमंड को, अगर उसके पास वो शब्द नहीं है, वो पहचान नहीं है, कॉग्निशन बोध नहीं है, तो उसके लिए वो है ही नहीं। तो मैंने इसका बड़ा सिंपल उदाहरण, ये लगती बातें कठिन है नहीं, मैं कोई शब्द बोलूँगा, अभी बोलूँगा कैट, कैट बिल्ली, बिल्ली बिल्ली तो सब जानते हैं ना, बिल्ली क्या होती है जानते हैं ना बेटा, हाँ। अब मैंने जब बिल्ली बोला तो आप ज़रा सोचिए, तो आपके दिमाग में कोई बिल्ली आई, बिल्ली आ गई? अगर मैं पूछने लगूँगा कि जो आपके दिमाग में बिल्ली आई सफ़ेद है कि काली कि भीगी, बैठी हुई है कि खड़ी है, चल रही है कि सो रही है, भयानक लग रही है कि सुंदर लग रही है, चितकबरी है, आप जितने बैठे हो सबकी बिल्लियाँ अलग हैं। अगर शब्द का अर्थ एक होता तो एक ही अर्थ होता। तो हमने एक शब्द से हर एक आदमी ने अपना अपना संसार रचा, रचा कि नहीं? तो शब्द बोध जो है उसमें आपकी स्मृति और आपका अनुभव, जो मैंने कहा उसको समझने में, उसके बोध में आपका अनुभव और आपकी स्मृति के अनुसार आपने उसको ग्रहण किया और क्रिएट किया। तो ये बड़ी सिंपल एग्जांपल है, जब हम कहते हैं कि जगत भाषा का विकल्प, उसको मैं वहीं छोड़ गया, वो उसको आगे बढ़ाना था कि योग में तो सिर्फ जिनको हम रूपक कहते हैं, उन्होंने रूपकों को ही कहा कि रूपक का जो ज्ञान है वो विकल्प ज्ञान है, परंतु भर्तृहरि ने कहा कि सारा विश्व ही विकल्प ज्ञान है, सारी भाषा ही रूपक है, रूपक है। क्योंकि हम लोग अंग्रेज़ों से ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं यूरोप वालों से, तो नीत्शे ने 19वीं शताब्दी में एग्जैक्टली ये बात कही, ऑल लैंग्वेज इज़ मेटाफॉरिकल। और नीत्शे से अपने इंडियन फिलोसोफर भी इतने इम्प्रेस होते हैं कि ऑल लैंग्वेज इज़ मेटाफॉरिकल। अरे भैया, सांख्य में देखा है वेद की भाषा रूपक है, सांख्य में है, तो वेद का भाषा ही रूपक है।
तो रूपक के पूरे रूपक का क्या मतलब है कि ही इज़ अ टाइगर, ही इज़ नॉट अ टाइगर, बना से ही इज़ अ टाइगर। अब ये जो है मतलब जो मैं सृजन कर रहा हूँ वो जो है उसके अनुरूप नहीं है, उसका रूप नहीं है। वो शब्द से जो हम वस्तु बनाते हैं, जो संसार बनाते हैं, जगत बनाते हैं, वो जगत जो है उसका वो एग्जैक्ट रूप नहीं है, हमने रूप बनाया है, ये अर्थ है इसका। तो इसी प्रकार ये सारा जगत भाषा भर्तृहरि, तो आगे डरीडा ने बेचारे ने कुछ बोल दिया, लोग बड़े इंप्रेस हो गए। अब भर्तृहरि तो वो सब बातें पाँचवीं शताब्दी में मेरे मित्र जो भर्तृहरि हैं वो सब कह गए, समझने की बात है। हमारा क्या प्रॉब्लम हो गया था बीच में कि हारकोट ब्रेस की छपी हुई किताब अंग्रेजी में लिखी हुई, चाहे 2500 की खरीदो, उसको बड़ी श्रद्धा से पढ़ते थे क्योंकि समझ नहीं आती थी। और पानीपत में छपी हुई अष्टाध्यायी, गोरखपुर में छपा हुआ 5 पैसे का योग सूत्र मेरे पास है, 5 पैसे का योग सूत्र। अब इतना सस्ता तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं पढ़ना। तो ये एक बार वो राजीव संगल जी वगैरह के, सर बड़ी ट्रेजेडी है कि वेस्ट में हम जब कोई सीडी बनाते हैं, डीवीडी बनाते हैं किसी योग सूत्र की, उसकी वो खूब बिकती है, यहाँ इंडियंस खरीदते ही नहीं। मैंने कहा भैया यहाँ ज्ञान बेचा नहीं जाता, द मोमेंट आप सो आप योग सूत्र ले लो इतने का, तो ये वो 5 पैसे का ना लेंगे हम, और वो भी समझ नहीं आना। हम तो किसी गुरुजी के कोई व्याख्यान करेंगे ना, कोई महर्षि, कोई मुरारी बापू बोलेंगे, उनसे समझेंगे क्या है, हम तो उनसे समझेंगे, हम ये सीडी 60 रुपये की क्यों खरीदें, समझ तो हमें आनी नहीं। सो दिस इज़ ए वेरी फंडामेंटल कि भाषा हमारे लिए सृजनात्मक है, बनाती है, नामकरण नहीं करती। और जो शब्द नाम है, छांदोग्य उपनिषद में नारद सनत कुमार का संवाद बड़ा ब्यूटीफुल संवाद है, और मुझे लगता है कि वो जालंधर के आसपास ही लिखा गया था पंजाब में, क्योंकि अंत में वो कहते हैं कि सबसे पावर जो मतलब जैसे शब्द सबसे पावर, शब्द से ज़्यादा ना, नाम सबसे पावरफुल, नाम से ज़्यादा शब्द पावरफुल, शब्द से ज़्यादा संकल्प पावरफुल, संकल्प से ज़्यादा ध्यान नहीं करो तो संकल्प कैसे करोगे, और ध्यान से भी ज़्यादा बल। क्योंकि बल कैसे, बोले इसलिए लिखा हुआ है, एक बलवान व्यक्ति 20 विद्वानों को भगा देता है, ये जलंधर में ही होता है। तो भगा देता है, फिर बल से भी ऊपर अन्न आखिर है, क्योंकि जैसा अन्न हम खाएंगे, हम खाते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए गीता में भी भगवान ने अर्जुन को बताया कि भैया सात्विक ये आहार, उसको तो राजसिक खाना चाहिए था, खाना है भी उसने शायद, पर उसकी बुद्धि तो कुत्सित हो गई थी, फिर भी कुत्सित हो गई ना, और वो उनको समझाने के लिए मतलब काफ़ी टाइम लगा। ये भी कई लोग सोचते हैं भाई साहब कि इतनी सेनाएं खड़ी हैं, और वो कहता है दिखाओ मुझे किससे लड़ना है, रथ बीच में आ जाता है, लड़ाई शुरू होनी है, 700 श्लोक बोले जाते हैं, कितना टाइम लगा होगा, ये हो सकता है कभी, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लोग नाराज़ होते हैं इस बात से, पर ये फैक्ट है। क्या है कि वो एक किस्म का गीता भी संग्रह ग्रंथ है दर्शनों का, सर्वदर्शन संग्रह से पहले संग्रह ग्रंथ है, और उन्होंने उसे बना के मास मीडिया में डाल दिया। मास मीडिया क्या, महाभारत, क्योंकि महाभारत वेद व्यास की एक है, महाभारत की कथाएं और परफॉर्मेंसेज हजारों हैं देश में, जैसे रामायण तो एक है वाल्मीकि की, पर राम कथा तो हजारों है। तो मास मीडिया में डाल दिया ताकि वो फैल गया
दुनिया में। तो ये हमने कहा बनारस में, तो पंडित हमारे लड़ने लग गए हमसे। हमने ये भी कहा कि भगवद गीता महात्मा बुद्ध के बाद कंपोज हुई। विचार करिए सर, विचार करिए कि महात्मा बुद्ध के बाद। अब ये तो बड़ा ही एक किस्म का अनएक्सेप्टेबल व्यू है, अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसमें भी ब्रह्म निर्वाण शब्द आता है। ब्रह्म निर्वाण, निर्वाण है उसी अर्थ में, पर वो निर्वाण ब्रह्म में है, ब्रह्म में है। तो ये कैसे आया? पाणिनि में निर्वाण शब्द है पर बौद्धिक अर्थ, बुद्धों के अर्थ में नहीं है, इसलिए पाणिनि महात्मा बुद्ध से पहले हैं। क्योंकि जो आदमी महात्मा बुद्ध को उद्धृत नहीं करता, वो महात्मा बुद्ध को जानता नहीं। महात्मा बुद्ध को जो जानता नहीं, वो महात्मा बुद्ध से पहले पैदा हुआ था। उसके बाद कोई भी इस देश में चिंतक नहीं रहा जो महात्मा बुद्ध को नहीं जाना। तो इससे सारा पर ये विषय है सोचने के, बहस करने के, पर हम अपनी समझ आपको बताई। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट, देखिए एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अनुभव भाषा के बिना होता है, परंतु उस एक्सपीरियंस को जब हम नाम देते हैं, अब मैं नाम देते दूसरे सेंस में कह रहा हूँ, बोध करते हैं, वो बोध हम भाषा से करते हैं, तो भाषा से ही सृजन होता है उसका, कि ये है क्या, ये चुभ गया कि रिड़ गया कि रगड़ गया, हैं? नहीं, चरीट लग गई, गहरा चला गया। तो जो बोध है वो उसी से होता है, उस बोध के बाद ही वो ज्ञान बनता है। तो वो तो देखिए, शब्द ब्रह्म की अवधारणा को समझने के लिए, अभी तो आज नहीं पहुंच पाऊंगा वहाँ, 6-7 पेज और हैं, पहले पे ही हूँ, कि शब्द ब्रह्म की अवधारणा समझने के लिए आपको नाम रूप और ज्ञान का जो भेद है इससे ऊपर उठना पड़ेगा। क्योंकि शब्द और सत्ता का जब आप चिंतन करेंगे, तो फिर एक ब्रीफली मैं बता ही देता हूँ मेरी समझ, कि जैसे ब्रह्म, जैसे ब्रह्म इस ब्रह्मांड में विवर्त रूप में प्रकट होता है, विवर्त, विवर्त, विकार, विवर्त और परिणाम, तीन शब्द बड़े बड़े गहरे शब्द हैं, और जब भी आप इन विषयों का अध्ययन करेंगे तो इन तीनों को आपको भेद करना पड़ेगा। क्योंकि भर्तृहरि पहले में तो विवर्त कहते हैं और बाद में ज्ञान को भाषा का परिणाम कहते हैं और फिर विकार शब्द भी प्रयोग करते हैं। तो जब ये घटपट भेद रूपी विकार जब हटा देंगे नाम रूप, तो जो सत्ता एक जो बचेगा एसेंस, वही ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। जिस तरह ब्रह्म रूप लेता है, भर्तृहरि कहते भी है पहले कांड में ही कि ब्रह्म तो एक है पर कईयों में कई नाम से प्रकट हो रहा है, वो काल और दिक् के कारण, काल और दिक् के कारण उसकी रूप बनता है। तो रूप में पर्टिकुलर हो जाता है, व्यक्ति हो जाता है, एसेंस में बीइंग है वो बीइंग। इसलिए जो शंकराचार्य जी ने एक एग्जांपल दी जो बाद में बड़ी कॉमन है, कि जल में लहर, बुलबुले और फेन तीन होते हैं। अब अगर देखो तो कितनी बड़ी लहर आ रही है, जैसे आपने कहा लहर फिर जल में चली गई, उसमें समा गई। इसी प्रकार ब्रह्म की अवधारणा से जब आप चलते हैं, तो ये जो ब्रह्मांड है ये पल्सेटिंग मैटर है, समुद्र है, ये मैटर का, प्रकृति का जो पल्सेट कर रही है, इसमें रूप उत्पन्न होते हैं और रूप समा जाते हैं। आप और हम, आज से 100 साल पहले कोई नहीं था, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद फिर नहीं होंगे, तो फिर हम क्या हैं? हम वो बुलबुले, वो फेन, वो जो सत्ता है, वो पल्सेटिंग मैटर है, वो पल्से, ये हमारा वर्ल्ड व्यू है, दृष्टिकोण है संसार के बारे में। यानी मैं धन्यवाद, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, पर मैं अपने को समझा रहा हूँ भाषा।